इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 68 सीटों की ये जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सत्ता पर काबिज बीजेपी के हर दांव पर कांग्रेस की चाल भारी पड़ रही है। अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। वैसे भी राज्य में सत्ता विरोधी लहर है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल राज्य की सियासी हवा बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है और इसका फायदा कांग्रेस के खाते में जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी के हाईटेक आईटी सेल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने मंथन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। उन्होंने पार्टी की नीतियों और बीजेपी की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मीडिया विभाग भाजपा के झूठे प्रचार का सोशल मीडिया पर पर्दाफाश करेगा। अगर सभी कार्यकर्ता पूरे जोश से काम करेंगे तो कोई भी कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस के हिमाचल सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि हिमाचल में जनता बदलाव चाहती है। जयराम सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। हिमाचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। मोदी सरकार ने बीते 8 साल से देश और हिमाचल की जयराम सरकार ने बीते 5 सालों से प्रदेश को लूटा है। जनता अब बदलाव चाह रही है। सोशल मीडिया अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी भूमिका अहम है, उन्हें जिम्मेदारी भी बड़ी मिली है। सोशल मीडिया आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो कांग्रेस की नीतियों को जनता के बीच लेकर जाएं। हिमाचल में विकास पूर्व कांग्रेस सरकारों की देन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, 10 गारंटियों को लोगों के बीच ले जाएं। राज्य कांग्रेस सोशल मीडिया के अध्यक्ष आश्रय शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि इस कार्यशाला से कार्यकर्ताओं को सीखने का मौका मिला है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।